प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीटों से किया संवाद। पीएम ने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दी बधाई, कहा आज आपकी वजह से देश के हर कोने में है उत्सव का माहौल। आईसीसी विश्व कप में डेविड मिलान के शतक की बदौलत इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से हराया। वहीं विश्व कप के दूसरे मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को दिया 345 रन का लक्ष्य। दिल्ली में बुधवार को भारत और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। विश्व कप में दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड को मिली 2028 यूरोपीय चैंपियनशिप की मेजबानी। वहीं इटली और तुर्की 2032 के संस्करण का करेंगे मंचन। और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल के साथ बातचीत की और उन्हें संबोधित किया। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एशियाई खेलों में एथलीटों की उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देने और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। भारत से एशियाई खेल में 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीते हैं। जीते गए पदकों की कुल संख्या के सिलसिले में एशियाई खेलों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी और साथ में राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों सहित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर खिलाड़ियों से नशीले पदार्थों के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वे इसके ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। ड्रग्स के दुष्प्रभाव के बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अनजाने में हुई डोपिंग भी किसी खिलाड़ी का करियर तबाह कर देती है। कई बार जीत की चाहत कुछ लोगों को गलत रास्तों की तरफ ले जाती है, लेकिन इससे ही आपके और आपको, हमारे युवाओं को आपके द्वारा मैं सतर्क करना चाहता हूं। आप हमारे युवाओं को सतर्क करें, क्योंकि आप सभी विजेता है और सही रास्ते पर जाकर के आप इतनी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, तो गलत रास्ते पर किसी को जाने की जरूरत नहीं है, आपकी बात मानेगा। और इसलिए आप इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आप दृढ़ निश्चय और मानसिक शक्ति के प्रतीक है। सिर्फ शारीरिक शक्ति से मेडल नहीं आते जी, मानसिक शक्ति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप नशीली दवाओं के हानिकारक जो प्रभाव है उसके बारे में भारत की युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी है। भारतीय एथलीटों के दल को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने एशियाई खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये भारत की बेटियों के सामर्थ्य के बारे में बताता है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस जज्बे के साथ हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। भारत ने एशियन गेम्स में जितने मेडल जीते हैं उनमें से आधे से ज्यादा हमारी फीमेल एथलीट्स ने जीते हैं। बल्कि इस ऐतिहासिक सफलता का शुभारंभ भी हमारी महिला क्रिकेट टीम ने ही किया था। बॉक्सिंग में बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते,
ट्रैक एंड फील्ड्स में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बेटियां सबसे आगे निकलने के लिए ही उतरी है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। मुकेश, जैसा कि अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीटों के साथ बातचीत की, तो कितना ऐतिहासिक और कितना गर्व का क्षण रहा होगा वो एथलीटों के लिए? बिल्कुल रेशमा, एक बड़ा आज माहौल था क्योंकि दिन भी बड़ा था। 100 के पार का नारा था एशियन गेम्स में जो खिलाड़ियों ने वहां पर हासिल किया। तमाम दिग्गज खिलाड़ी जो युवा थे यहां पर पहुंचे थे देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, मिलने के लिए। कई लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस था और जो कंटिजेंट यहाँ आया था पूरा दल लगभग यहाँ पर मौजूद था और सभी ने उनकी बातों को सुना। जो उन्होंने विषय उठाए वो बहुत महत्वपूर्ण थे, ड्रग्स को लेकर के, से नो ड्रग्स। मतलब अगर आपको बड़ा कुछ हासिल करना है तो इसका मतलब नहीं है कोई शॉर्टकट है, आपको सेम प्रोसेस से जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सरकार उनके साथ खड़ी है, ये उन्होंने विश्वास जताया। तो एक क्लियर कट मैसेज था यहां से। और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इसलिए चुना गया देखिए क्योंकि खुद ध्यानचंद जी की इतनी उपलब्धियां हैं देश के लिए, उसके बाद इस प्रांगण में इन एथलीटों को लेकर के आना और इनको यहां पर एक मैसेज देना कि आप कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, आपने देश का जो गौरव है वो बढ़ाया है, देश का मान बढ़ाया है, तमाम लोगों का जो है वो सर ऊंचा किया और खुद आप अपने आप में आइकन है, ये तमाम बातें उन्होंने कही। और रेशमा, कुछ और बातें मैं बताना चाहूंगा इसमें, हमारे साथ तपस भी यहाँ पर मौजूद है, तपस सुन रहे थे। तपस, खेलो इंडिया पे और फिट इंडिया को लेकर के क्या कुछ कहा? बहुत अहम चीजें हैं, खेलो इंडिया और फिट इंडिया ने एक तरह से देश का एक जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की है, स्पोर्टिंग आउटलुक है, वो चेंज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इनफैक्ट अगर हम बात करें खेलो इंडिया की तो करीब 100 से ज्यादा खेलो इंडिया के एथलीट्स है जो इस वक्त इस एशियन गेम्स में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, मेडल तक जीता है करीब 40 से ज्यादा एथलीट्स है। तो प्रधानमंत्री ये इस बात को बार बार बता रहे थे कि खेलो इंडिया लीजिए, फिट इंडिया की जो मुहिम चलाई है जिससे फिट हो रहा है भारत, उसके अलावा जो टॉप स्कीम के जरिए जो एथलीट्स का एक तरह से 2014 के बाद हम देख पा रहे हैं किस तरीके से भारतीय एथलीट पूरे विश्व पटल पर अपनी बात मनवा पा रहे हैं, बात रख पा रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनको फाइनेंशियल एक तरह से उनको दिक्कत नहीं है, उनको बोला गया आज भी प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में कहा कि कहीं ना कहीं आप खेलते रहिए, आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये आश्वासन जो होता है वो बहुत बड़ा आश्वासन होता है। और जैसे प्रधानमंत्री मुकेश भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग जाइए अलग अलग जगह पे देश के कोने कोने में और जाके ड्रग्स फ्री जो है उसके बारे में बात कीजिए, ड्रग का जो मेनेस है, जो एक भयावह स्थिति हो रही है उसके बारे में लोगों को बताइए, उनको जागरूक कीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले भी हमने देखा मुकेश जाते हमारे साथ कि इससे पहले भी हम जब प्रधानमंत्री इनको खिलाड़ियों को बुलाया था ओलंपिक्स के दौरान, स्टब भी इन्होंने कहा था कि फिट इंडिया का नारा, फिटनेस के ऊपर ध्यान देने के लिए खिलाड़ियों को कहा गया था कि आप लोग जाइए अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग देशी कोने कोने में और ये बातें पहुंचाए। तो ये जो संदेश प्रधानमंत्री देते हैं ये एथलीट सुनते हैं और सिर्फ सुनते नहीं, उसको अपने अपने जज्बे में, अपने जहन में उसको उतार लेते हैं और जहन उतारने के बाद इस चीज को आगे लेके जाते हैं। तो समझिए कितना बड़ा एक मंजर होता है जब आपके एथलीट देश में, खेलो इंडिया की बात करें, फिट इंडिया की बात करें, मिलेट की बात करें, खाने पीने की जो अहम चीज है उनपे ऊपर बात करें। देखिए एक देश आगे कैसे बढ़ता है हम हमेशा देखते हैं, अगर आप हिस्ट्री ले लीजिए। बिल्कुल तापस, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की भागीदारी का बात की है, मुकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की भागीदारी की बात की है एशियाई खेलों में, वो वाकई वो जो क्षण था कि महिलाएं आगे आ रही थी खेलों की दुनिया में, तो किस तरह से एक जो क्षण था वो कैसा महसूस होता है? जी, मैं आपसे सही कहा कि जो महिलाएं हैं वो एक तरह से, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कि जो महिलाएं हैं इस वक्त बेहतर कर रही है, आगे बढ़ रही है। और इस एशियन गेम्स में भी उन्होंने कहा कि पहले ही महिलाओं ने शुरुआत की मेडल्स की, वुमेन्स क्रिकेट टीम ने शुरुआत की थी, उसके बाद से झड़ी लग गई। तो महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, जहां पे आप जो खिलाड़ी है वो
जो पॉलिसी से निकल के अब ये सिर्फ पॉलिसी में नहीं रही है ये बात, अब ये यहाँ से निकल के बात निकल चुकी है और आगे बढ़ चुकी है और देश में महिलाएं आगे बढ़ के खेल रही है। आप एक एक खिलाड़ी देखिए, नीचे स्विफ्ट कौर ले लीजिए या फिर आप जो हमारे वुमेन्स क्रिकेटर ले लीजिए, स्केटर्स देख लीजिए, अभी हमने एक स्केटर से बात की थी, एक वो स्केटर जो है वो डॉक्टर है और डॉक्टर के साथ साथ वो एक बहुत कामयाब स्केटर है, एशियन गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये छोटी छोटी देखिए बड़ी कहानियां बहुत सारे लोगों को मिलती है, बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, नीरज चोपड़ा की कहानी हर कोई सुनना चाहता है, एशियन गेम्स में हॉकी की कहानी हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन ये छोटी कहानियां हैं जहां पे एक डॉक्टर उसको कैसे मजा आया कि हाँ उनको लगा कि मुझे स्केटिंग करना है, एक शौकिया तरीके से नहीं प्रोफेशनली डॉक्टर से स्केटिंग में आई और सिर्फ स्केटिंग में आई नहीं मेडल भी लेके आई। तो ये छोटी छोटी कहानियां ये जो नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा एक नमूना देख सकते हैं। हमारी जो आर्चर्स है बेहतरीन परफॉर्मेंस गोल्ड मेडल के साथ उन्होंने निकाला, आप देखिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारी आर्चर्स इतना बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन उन्होंने किया और ये इस नए भारत की नई पहचान है। क्यों मुकेश? तपस ने सही कहा, नई पहचान है। और जिस तरह से रेशमा इनसे हम बात कर रहे थे, इन शूटों से बात कर रहे थे, इनके चेहरे पे वो मुस्कान थी, वो मुस्कुराहट थी कि कितना मासूमियत है, ये मतलब एक्सप्रेस करना चाह रही थी और इतनी शालीनता, इतना संयम था जब ये खेल रहे थे, तब भी हमने देखा, आज भी देखा, एक चेहरे पर दिखता है कि कुछ करना है, कुछ कस गुजरने की, तो हंस रहा था। और सबसे बड़ी बात है खेलो इंडिया में जब लेकर के आए, उन्होंने बोला कि खेलो इंडिया को आप, प्रधानमंत्री ने कहा हर खिलाड़ी को बताइए खेलो इंडिया में जाना है, वहां पर उसका एडमिशन कराइए, वहां तक उसको लेकर के जाइए, क्या पता उसका भविष्य। कहा जा सकता है कि जो हमारे एथलीट्स हैं उन्होंने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। अगर हम ये बात करेंगे विश्व पटल पर भी हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, भारत को एक अलग ही गर्व का उन्होंने क्षण दिया है, तो ये किस तरह से मुमकिन हो पाया है? बोलो तपस। मुकेश मैं इस चीज में रेशमा से एक चीज कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सब गोट है यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि आप लोग जाइए विश्व विजयी बनिए, क्यों? बिल्कुल सही बात है। उन्होंने जिस तरह से कहा कि मतलब हम लोग आप नारी शक्ति का यहाँ पर वंदन करते हैं, जिस तरह से आपने प्रमोट किया अपने आप को और दिखाया कि आप नंबर वन हैं और रहेंगे, ये एक जज्बा था खिलाड़ियों के अंदर। उन्होंने बोला सबसे ज्यादा जो मेडल है वो महिलाओं ने जीत करके दिखाया, शुरुआत ही उन्होंने करी। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एथलीटों को कहीं ना कहीं हौसला अफजाई का एक जो काम करते हैं, जब भी वो हमारे खिलाड़ियों से बात करते हैं तो उन्हें हौसला अफजाई मिलती है, और जब भी वो इस तरह के गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो विश्व पटल पर भारत की अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो नजर आते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप विश्व पटल पे देश का नाम रोशन करना, और वो भी चाइना में जाके, होंगजो में जाके, क्यों मुकेश? क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बार बार हमने एक खिलाड़ी से बात किया तो ऐसी कंडीशन में जब चाइना हमारे तीन खिलाड़ियों को वीजा नहीं देता, उसके बाद हम डोमिनेंस अपना दिखाते हैं, बहुत बड़ा डोमिनेंस है और बहुत बड़ी बात है। एक खिलाड़ी से हम बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जब हम बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम भी कुछ ऐसा कर जाए देश के लिए कि दुनिया हमें याद रखे। और जैसे प्रधानमंत्री ने जो जो अटैक हुआ था जो हमारे यहाँ पे, यहाँ पे तो उन्होंने कहा था कि घुस के मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश और तपस, बहुत धन्यवाद। हमें ये लगा कि हम घुस के वहाँ पे जीतेंगे, वहाँ पे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी ये कहा जा सकता है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एथलीटों के साथ, खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को हौसला मिलता है और आगे बढ़ने की उनके अंदर एक जो शक्ति आती है, जो उनके अंदर हौसला आता है वो गजब का होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। भारत ने एशियाई खेल के इतिहास में पहली बार 100 का आंकड़ा पार तो किया ही, वहीं भारत के कई पदक ऐतिहासिक रहे। एथलेटिक्स, निशानेबाजी और तीरंदाजी में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। एक नजर भारत के ऐतिहासिक पदकों पर। भारत ने 19वें एशियाई खेलों में पदकों का शतक लगाकर नया इतिहास रच दिया है। इससे पहले 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में 70 पदक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जिसे भारत ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। 19वें एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन कई मायनों में खास है।
इन खेलों में भारत के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो भारत ने एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 29 पदक अपने नाम किए। इनमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं निशानेबाजी में भारत ने 22 पदक अपने नाम किए, इनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य शामिल हैं। तीरंदाजी में भारत ने कुल 9 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य शामिल हैं। भारत ने 19वें एशियाई खेलों में अपना अब तक का सबसे बड़ा 655 खिलाड़ियों का दल भेजा था और इन खिलाड़ियों ने पिछले सभी कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं। एथलेटिक्स में भारत ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। तीरंदाजी में भारत ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीतकर इतिहास रचा। बैडमिंटन में भी भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता, वहीं HS प्रणॉय ने 41 साल बाद भारत को पुरुष एकल वर्ग में पदक दिलवाया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने पुरुष युगल वर्ग में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। ब्रिज में भी भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों के इतिहास में 3रा पदक जीता। सेपक टैकरों में भारत को महिलाओं के इवेंट में पहली बार ऐतिहासिक पदक मिला। स्क्वाश में सौरव घोषाल लगातार 5 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। कैनो में भी भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में अपना 2रा पदक जीता। टेबल टेनिस में भारत ने महिला युगल वर्ग में पहली बार एशियाई खेलों में पदक जीता। गोल्फ में अदिति अशोक एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी। घुड़सवारी में भारत ने 42 साल बाद कोई पदक अपने नाम किया। पहली बार पदक जीतने और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने की फेहरिस्त बहुत लंबी है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि 19वें एशियाई खेल भारतीय खेलों के इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगे। भारतीय दल ने 100 का आंकड़ा पार कर दिखा दिया है कि अब भारत को खेलों की महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और ICC क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल कर ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने बांग्लादेश को जीत के लिए 365 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में बांग्लादेश की टीम 227 रन ही बना सकी और मुकाबला गंवा दिया। इंग्लैंड की ओर से डेविड मलान ने शतकीय पारी खेली, वे 140 रन बनाकर आउट हुए। विश्व कप के 8वें मुकाबले में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने हैं। ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 344 रन बनाए हैं। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 21 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान की नजर इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत पर है। उसने पिछले मुकाबले में नीदरलैंड को हराया था। बुधवार को टीम इंडिया ICC क्रिकेट विश्व कप के अपने दूसरे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। अब उसकी नजर लगातार दूसरी जीत हासिल करने पर टिकी है। वहीं अफगानिस्तान को विश्व कप के पहले मैच में बांग्लादेश के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। कल होने वाले मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। भारत अफगानिस्तान के बीच अब तक सिर्फ 3 वनडे मैच खेले गए हैं। इस दौरान भारत ने 2 मैच जीते हैं, जबकि 1 मैच टाई हो गया था। UEFA ने मंगलवार को घोषणा की है कि यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड 2028 यूरोपीय चैंपियनशिप की मेजबानी करेंगे, जबकि इटली और तुर्की टूर्नामेंट के 2032 संस्करण का मंचन करेंगे। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह यूरो 2032 के लिए इटली तुर्की ने संयुक्त बोली स्वीकार करने का फैसला किया था। दोनों टूर्नामेंटों के मेजबान पहले से ही लगभग आश्वस्त थे। वहीं तुर्की के यूरो 2028 की दौड़ से हटने का फैसला किया था। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।